असलकुम ये देखिए मेरी मनाहल आज आटा गूँ रही है इसकी मम्मा के हाथ यहाँ से कट गया है जिसकी वजह से इसकी मम्मा हाथ से आटा गून नहीं सकती हैं जिसकी वजह से आज मनाहल हमारी आटा गूँगी मनाहिल कैसे आटा गूंदते हैं आपको आता है आता है पहले कभी गूंदा नहीं पहली दफा प्रैक्टिस कर रही है चले चले सबसे पहले क्या करते हैं आटे में नमक डालते हैं चले नमक डाल के बताएं कितना नमक डालेगा सबसे पहले ज्यादा आटे के के हिसाब से नमक डालता है ठीक है तो नमक डालें आप आप? थोड़ा। अब आप सबसे पहले ज्यादा हम्म हम्म शाबाश हम्म अब नमक को मिला लीजिए हम लोग गर्म पानी से आटा गूँते हैं तो अभी पानी हमारा गर्म हो रहा है ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है थोड़ा सा और उबाल आ जाए तो हम गर्म पानी डालते हैं मनाहिल ने नमक मिला लिया है माशाल्लाह से अभी थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाए तो इंशाल्लाह हम गर्म पानी डालेंगे फिर तो हमारी मनाहिल आटा गूँदेंगी पानी हमारा बॉयल हो चुका है ये हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं और अब हम पानी डालेंगे मनाहिल प्लीज जगह दीजिए ये देखिए ये गर्म पानी है तो इसलिए ये मनाहल छोटी हैं इसलिए हम डाल देते हैं ताकि मनाहल मिक्स कर ले चले मनाहिल मिक्स कीजिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे मनाहल की पहली दफ़ा आटा गूँध रही हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा मनाहल को इनशाला ऐसे ऐसे आ जाएगा फिर मनाहल आसानी से गूँध सकेंगी शाबाश गुड मनाइल बहुत अच्छे से मिला रही हैं माशाल्लाह से आ, और मिलाएं कोई बात नहीं और मिलाएं और मिलाएं चले मैं और डालती हूँ चले अब मिलाए अब हमारा गर्म पानी ख़त्म हो चुका है तो अब हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ये हम ठंडा पानी ले रहे हैं है। गर्म पानी हमने डाल लिया है अब हम ठंडा पानी थोड़ा सा ले रहे हैं और अब हम ठंडा पानी डालेंगे ये ठंडा पानी आ चुका है अब हम ठंडा पानी डालते हैं ताकि मनाह और अच्छे से मिला लें चलेनाल मिलाइए ये मनाहल ने मिला लिया है हमें और पानी की ज़रूरत है अब हम और पानी डाल देते हैं चलो मनाहल मिलाइए थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा मिलाते जाते हैं मनाहिल फिर मिलता जाता है ज़्यादा पानी इकट्ठे डालेंगे तो वो गीला हो जाता है तो इसलिए गीला ना हो तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते हैं ठीक है मनाहिल और डाल दे चले अब मिले अब मनााहल चम्मच साफ़ कर लीजिए प्लीज़ शाबाश अब चम्मच का काम ख़त्म हो गया है मिल गया गरम पानी पीछे से भी कर लीजिए शाबाश नाखून से कर लीजिए ताकि नाखून से छूट आराम से हो जाएगा हम्म शाबाश दोनों तरफ से साफ हो गया आगे से भी कर लें दोनों तरफ से कर लें शाबाश शाबाश अब ये वाले इसमें डाल दीजिए आप चम्मच ताकि ये चम्मच हम इसमें डाल देते हैं ठीक है मनाहिल, ताकि ये नरम हो जाए इसमें ताकि इसको धोने में आसानी हो चले अब आप हाथ से मिलाइए सब तरफ से मिलाइए मम्मा कैसे मिलाती थी आपने देखा था ना मम्मा को मिलाते हुए शाबाश हम्म चले मिलाइए बनाए हाथ से मिलाइए हम्म शाबाश हाँ इकट्ठा करें सबको सबको जोड़े हम्म शाबाश शाबाश और अच्छे से जोड़े सारा सब तरफ से पीछे से हमारे मिठ्ठू की आवाज आ रही है हमारा मिठ्ठू भी बातें कर रहा है माशाल्लाह से और अच्छे से सही से बिल्कुल जोड़ना है आपने टूटे नहीं चले मनाहिल मिल गया सारा इकट्ठे हो गया और अच्छे से इकट्ठा करें शाबाश शाबाश मनाल भी छोटी है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी मनाहिल को थोड़ी सी बड़ी होंगी तो आ जाएगा इंशाल्लाह थोड़ा सा मुश्किल अभी लगेगा जब बड़े हो जाते हैं तो आ जाते है पहाड़ नहीं बनाना <laughs> ऐसे इसको गोल करना है कि एक बॉल की तरह ये बन जाए इसको उठाएं तो ये पूरी बॉल बन के उठे नीचे कुछ भी ना रहे हम्म शाबाश शाबाश। हम्म आप दूसरी तरफ से भी करें जहां जहां से थोड़ा थोड़ा रह गया आटा उसको भी मिलाइए शाबाश हम्म साथ साथ हाथ भी साफ कीजिए हाँ शाबाश चले मनाई करके दिखाइए मम्मा ने कैसे सिखाया है हम्म फिर हम्म शाबाश प्रैक्टिस होती जाती है करते जाते हैं कोई काम भी मुश्किल नहीं है इनशालाइल को आ जाएगा अभी मनाइल पहली दफा गूंध रही है, देख रही है।, तो अच्छा रही है। अब मनाइल इसमें क्या करना है इसमें जो नीचे वाली जगह है जहां पे थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ है वहां थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ से छीटो के मदद से डालना है ठीक है डालिए बनाइल करके दिखाई मा ने कैसे बताया था हाँ। तब तरफ से तसले को साफ करना है ठीक है तथला बिल्कुल साफ होना चाहिए इतना साफ हो जाना चाहिए कि लगे कि इसमें आटा गूंदा ही नहीं है तो धुला हुआ तसला रखा हुआ है अब जो आटा निकला था जो हमने खुर्चा था उसको उसके ऊपर ये आटे को मल देना है जी अब दूसरी जगह पे आटा जहाँ पे लगा हुआ है वहां पे हल्का हल्का करिए शाबाश हम्म शाबाश हम्म अब इस पे आटा मलिए शाबाश अब तसलाब का साफ हो गया ना अब इसमें मुक्की डालनी है मुक्की पता है क्या होती है हम्म मुक्का मारना है आटे को जोर जोर से मुक्का किसी के ऊपर गुस्सा आया है मलाइल को किसके ऊपर आटे के ऊपर नहीं नहीं असली में किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है अभी आपको नहीं नहीं <laughs> गुस्सा आना भी नहीं चाहिए गुस्सा आना तो गंदी बात होती है तो हम लेकिन इस पे आटे पे हम गुस्सा निकालेंगे ठीक है ना मुक्के मारेंगे आटे को जोर जोर से मुक्के मारेंगे ठीक है चलो अब मुक्का मारना सिखाती है मम्मा चले बनाए अब मुक्के मार के दिखाएं कैसे मार आटे गुस्सा निकालेंगे बनाए हम्म इतना गुस्सा ओए, इतना ओए, गुच्छा आ गया इतना गुच्छा आ गया आटे के ऊपर हम्म शाबाश अब जो नीचे लग रहा है आटा उसको भी साफ करना है साफ कर रहे शाबाश हम्म भी हटाए शाबाश हम्म जैसे उखाड़े सारा पूरा उठाए हम्म शाबाश बॉल बनाए दोबारा से बॉल हम्म शाबाश बॉल बनाए हम्म अब दोबारा से मुक्की मारे मुक्की मारे मुक्की मारे शाबाश हाथ गीले करिए हाँ मुक्के मारे सब तरफ सब तरफ इधर साइडों से मोटा मोटा हो रहा है उसको भी पतला करें हाँ शाबाश शाब शाबाश हम्म शाबाश शाबाश हम्म हम्म अब फिर वही सीधा उठाएं नीचे से आगे से उठाएं हाँ शाबाश हम्म शाबाश हम्म अब फिर मुक्के मारे शाबाश शाबाश फिर गोल करें को तस्ले को घुमा लीजिए तसले को ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो ऐसे, ऐसे ऐसे और घुमाए हाँ, शाबाश चले उधर से उखाड़े शाबाश हाँ, शाब बाश। शाब बाश, हाँ। सब तरफ से उखाड़ ले पहले आटे को नीचे से उखाड़ के सारा उठा के उधर रखे ऊपर <laughs> शाबाश हम्म ने तो बहुत अच्छा साफ साफ तसला कर दिया है माशाल्लाह से शाबाश फिर मुक्की मारे इत्ता उसा, इत्ता उसा, इत्ता उसा। हुई हुई। शाबाश। बस अब गोल कर लें अब हम अपना पॉट लेके आते हैं हम अपने पॉट में आटे को रख लेंगे हम्म शाबाश नाइल माशाला साफ साथ भी कर रही है बस बस पानी और नहीं पानी और नहीं पानी ज्यादा हो जाएगा वरना फिर ये देखिए मनाहिल का आटा माशाल्लाह गूंद गया है अब मनाहिल पॉट में डाल देंगी इसको मनाहिल अब पॉट में डाल दीजिए प्लीज शाबाश शाबाश हम्म शाबा दिखाइए पॉट ये हमारा पॉट मेडल किया है आटा माशाल्लाह चले मनाइल कैसा एक्सपीरियंस रहा कैसा लगा मजा आया मजा आया गुन्ना आ गया अब मनाइल का आटा अब मनाइल मम्मा की छुट्टी अब अगली दफा से मनाइल गूंदेगी ठीक है अब मनाहिल ने गूंदना है ज्यादा ज्यादा आटा दावत में भी मनाहिल ने आटा गूंदना है ठीक है मनाहिल चलो दीदी पसंद आए तो करे लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय